करना चाहेंगे कि भूमि विवाद लगातार जो है बढ़ता जा रहा था, उसमें कई त्रुटियां सामने आ रही थी, लेकिन अब क्या आदेश हुआ है? इसमें ऐसा है सर कि जो इतवार का दिन था, 25 तारीख थी, न्यायालय की और कोर्ट की सभी जगह की छुट्टियां थी, तो भू माफिया आकिल बाप का नाम यासीन जमनपुर का रहने वाला है, ज्योतिराम बाप का नाम सुक्कट और अन्य और लोग संगठन होके एकजुट होके कुछ लेडीज लेके आए और मशीन लेकर आए और उन्होंने मेरी ज़मीन में घुस के कब्जा करने का प्रयास किया। हमने जाकर रोकथाम के लिए उनको मना किया। हमारे साथ में बदतमीजी तरह तरह की गाली गलौज दी गई है और हमारी ज़मीन में जितना मटेरियल पड़ा हुआ था 5-6 लाख रुपए का, 15-20 गाड़ी थी, वो सब आकिल उठा ले गया रात के टाइम में और हमें जान से मारने की धमकी दी गई है जी। हमें तरह तरह के इल्ज़ाम दिए गए हैं। हमने उसके बाद कार्रवाइयाँ करी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब कोर्ट खुला है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, कोर्ट ने हमारी बात सुनी है, डीजे कोर्ट में टकरा नहीं और हमें इंसाफ दिया है, ठीक है जी। हमें मालिकाना हक दिया और प्रतिवादियों के सब गुंडों के खिलाफ कोर्ट ने अधिकारियों के कर्मचारियों के सब के खिलाफ ऑर्डर दे दिया और हमें कहा कि जाइए आप अपनी ज़मीन पर काम करिए। सीमों से चारों तरफ से ज़मीन बांध दी है और मैं कल सुबह से अपना काम जारी करूँगा अपनी ज़मीन पर जी। लेकिन जो प्रतिवादी है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं उसको आपको काम को रोकने का प्रयास कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे जी कि इसमें एक सारना नदी का श्रेणी का लंबर है, खसरो लंबर 323, उसमें लगभग 5 बीघे ज़मीन का कब्जा फिलहाल किया और उससे पहले भी कब्जा है उसका, तो वहाँ से एक रास्ता जाता था चुई के लिए, वहाँ से ग्रामीण लोग चलते थे आते जाते थे, तो उसको पुस्ता लगा के बंद कर दिया आखिर ने। उन लोगों ने हमें कहा कि भी हम अगर कहते हैं तो गाली गलौज पकता है, अजी जी आप जब कह के उसको ये रास्ता छुटवा दो। हमने उससे बात करी तो उसने हमें गाली गलौज दी। वो इस बात से डर गया था कि भाई ये कहीं अधिकारियों पे कर्मचारियों पे शिकायत न कर दो। उस बात को पर्दा डालते हुए वो ज्योति को लेकर आया और मेरी ज़मीन पर घुस गया, ठीक है जी। और हाई कोर्ट का आदेश है 1952 में जो नदी थी, नदी जितने वजूद में थी वो नदी की श्रेणी में आता है, जितने ग्राम सभा ने पट्टे किए थे आवंटन किए थे वो सब रद्द कर दिए हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट का आदेश का उल्लंघन क्या खुल्लम खुल्ला और हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन क्या, और मैं इसकी रीड भी हाई कोर्ट में डाल दूंगा जी। लेकिन जो आपको भूमि कुछ भूमि आपकी जो थाने के रास्ते में थी वहाँ पर भी गई थी, उसके बदले में मुझे ये ज़मीन दी गई थी।